यस चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ हर हफ्ते आयोजित होने वाली इस वेबिनार की श्रृंखला की आज 87वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं बहुत ही संवेदनशील विषय, मातृभाषा। कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। जन्म लेने के पश्चात मानव जो प्रथम भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है और वही आगे चल के उसकी सामाजिक और भाषाई पहचान के रूप में भी जानी जाती है। उस भाषा का उसके जीवन में क्या योगदान हो सकता है और वह भाषा किस प्रकार उसको प्रभावित कर सकती है, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मनोज श्रीवास्तव सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं, सहायक आयुक्त आयकर विभाग मुंबई से लेकर के पूर्व मुख्य अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन तक की एक लंबी यात्रा रही है आपकी। आप एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ लेखक, बेहद संवेदनशील इंसान भी हैं, कवि भी हैं आप। और सर का अगर परिचय में लंबा देना चाहूंगा तो मुझे लगता है काफी समय कम पड़ जाएगा, तो सर के जो काव्य संग्रह मेरी डायरी से यादों के संदर्भ, पशुपति, स्वरांकित, कुरान, कविताएं, काफी सारी काव्य संग्रह भी आ चुके हैं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एवं नेहरू केंद्र लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कारों से सम्मानित हैं, सुंदरकांड पर लिखी पुस्तक संत समाज द्वारा अयोध्या में राम किंकल पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। ये इनकी जो एक आधिकारिक उपलब्धियों के अलावा थी, जो एक अच्छे वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते जो उपलब्धियां थी उसके अलावा थी। मैं इन पंक्तियों के साथ सर को आमंत्रित करता हूँ कि नन्हा सा दिया देख के घबराए जो सूरज, ये कद की बुलंदी है करामात नहीं। आज का जो विषय है बालकों के सर्वांगीण विकास में मातृभाषा की भूमिका, इस विषय पर बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मनोज श्रीवास्तव सर को। सर ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के प्रति आभार प्रकट कर दूं कि आप लोगों ने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाना आवश्यक समझा। और जैसा कि अभी बताया गया है कि मातृभाषा के संदर्भ में आज मुझे बोलना था, तो सबसे पहले तो ये है कि मातृभाषा जो है वो हमारी एक तरह की धमनी भाषा है, ये हमारे स्नायुओं में बहती है। इसको मैं अक्सर ओंकार भाषा का नाम देता हूँ, यानी इसकी ध्वनि हमारे भीतर हमारे कानों में ऐसी गूंजी थी जैसे सृष्टि के आरंभ में प्रणव गूंजा था। जो कहा जाता है ना कि सृष्टि का आरंभ जो है वो जिस नाद से हुआ वो ओंकार था, उसी तरह से जब हम इस सृष्टि पर उतरते हैं, जन्म लेते हैं, तो जो सबसे पहला स्वर हमारी कानों में पड़ता है, जो सबसे पहला निनाद हमारे कानों में पड़ता है, वो हमारा जो इसी मातृभाषा का होता है। और इसलिए इस प्रणव को जितनी प्रणति है हमारी, उतना ही उससे हमें प्यार भी है, क्योंकि इसी को सबसे पहले हमने अनुभूत किया था और सबकी भावनाओं और आवश्यकताओं ने सबसे पहले इसी के पालने में झूलना शुरू किया था। तो मातृभाषा एक तरह की पालना भाषा भी है, क्रेडल लैंग्वेज, और इसी के जरिए दुनिया हमारे लिए खुली भी थी। मातृभाषा में जो अलहड़ता होती है, जो कलरव कुलेल होता है, जो किलकारी होती है, वो एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी दूसरी भाषा से नहीं मिल सकती। और आप इसको कह सकते हैं कि ये वो भाषा है जो लीस्ट सेल्फ कॉन्शियस हुए आप बोल सकते हैं, न्यूनतम स्वचेतना के साथ आप इसको बोल सकते हैं। यानी इसमें जो सरलता है, जो अपनापन है, जो तरलता है, जो भाव विभोरता है, वो किसी अन्य में नहीं मिलती। जब आप मातृभाषा की ओर लौटते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि नदी की एक ठंडी धार जो है वो आपको छू गई है, जैसे आपको एक माँ की गोद मिल गई है। इसलिए जो रचनाशीलता मातृभाषा में मिलती है वो, और जो मातृभाषा में होती है, उसका कोई सानी नहीं होता। यानी आप देखेंगे वर्ड्सवर्थ ये कहते थे कि इस कविता की परिभाषा वो देते थे कि कविता स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। तो यदि कविता स्वतः स्फूर्त उच्छलन है तो वो नैसर्गिकता जो है मातृभाषा में ही संभव हो सकती है। और जिस मैत्री से रचनात्मकता आती है, जिस अंतरंगता और घनिष्ठता की वो परिणति होती है, वो मात्र स्थानिक भाषा में ही चरितार्थ हो सकती है ढंग से।
जैसे बच्चे की आंखों में उसकी माँ उसकी देवी होती है, उसी तरह से बहुत सी भाषाओं में प्रावीण्य के अर्जन के बाद भी मातृभाषा के मंदिर में ही आपको शांति मिलती है। जो लॉन्ग फेलो था वो ये कहता था कि कला प्रकृति की बेटी है, जिसमें हम अपने माँ के चेहरे के फीचर्स को ट्रेस करते हैं, और यदि ऐसा है तो मातृभाषा जो है हमें कला में रचनात्मकता में सबसे ज्यादा मदद करती है। दूसरी भाषाएं जो हैं वो शक्ति की भाषाएं हो सकती हैं, वो संपदा की भाषा भी हो सकती हैं, लेकिन मातृभाषा है जो स्नेह की भाषा है, और ये उसका बहुत बड़ा फर्क है। अर्जित भाषा से मेरा कोई इनकार नहीं है, और बल्कि मेरा तो मानना है कि आप जितनी भाषाओं का अर्जन करें उतना ही आपके व्यक्तित्व में एक आयाम जुड़ता है। हर भाषा जो है जो आप नई सीखते हैं वो आपके व्यक्तित्व में एक आयाम देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अर्जित भाषा कई बार लोगों के मुख को एक तरह का कुरुक्षेत्र या एक पानीपत बना देती है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने भीतर कोई युद्ध लड़ रहे हो अपने कंठ के भीतर, और जो अभिव्यक्ति की जो सहजता है वो नहीं आती, वो एक तरह से अनुवाद भीतर ही भीतर एक अनुवाद की मशीनरी जो है वो चलती रहती है, और उस आधार पर वो बोलते हैं। और जबकि यदि हमें रचनाशील होना है, यदि हमें क्रिएटिव होना है अपने जीवन में, तो हमारी मातृभाषा जो है वो सिर्फ हमें अभिव्यक्ति का जो है निसंकोच होना ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि एक तरह की ग्राउंडेडनेस भी जो है हमें देती है, यानी आत्मपरकता भी देती है और सामाजिकता भी देती है। ये दोनों ही चीजें जो है मातृभाषा से ही संभव होती है। तो जो संबद्धता का या बिलोंगिंग का भाव है, जो कि सृजनात्मकता की जान जान हुआ करता है, जो कलात्मकता की जान हुआ करता है, उसकी सर्वश्रेष्ठ आपूर्ति जो है वो मातृभाषा से ही होती है। आज आप देखिए कि दुनिया में कितने लेखक हैं, सब अपनी अपनी भाषाओं में लिख भी रहे हैं। भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी भाषाओं में लिखकर उनको समृद्ध कर रहे हैं मातृभाषाओं को, लेकिन जो मातृभाषा में कविता ना लिखकर अंग्रेजी में कविता लिख रहे हैं, उनसे कभी उनके बारे में कभी ध्यान से देखिए तो अंग्रेजी साहित्य में है, लेकिन क्या वे अंग्रेजी साहित्य में है? मातृभाषा में लिखने वाले कवियों को तो जो है उस भाषा की एक निधि के रूप में उनका स्वीकार हो जाता है, लेकिन भारत में मैंने देखा कि अंग्रेजी में लिखने वाले बहुत से कवियों को इंग्लैंड में कोई नहीं जानता, और अंग्रेजी साहित्य में भी जो है उनका कोई बहुत स्थान विशेष नहीं बन पाया है कवि के रूप में। भाषा पर आपका अधिकार और भाषा का आप पर अधिकार, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, और इसलिए ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम जीवन को सहजता से जीना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन को अभिव्यक्ति का स्थान देना होगा, हमारे अनकॉन्शियस को, और अवचेतन का इंक्यूबेशन जिन अतल घाटियों में होता है उस तक पहुंच सिर्फ मातृभाषा की होती है। जिन बावड़ियों में, जिन भीतरी जलाशयों में रचनात्मकता के महाशय जो ब्रह्म राक्षस बैठे हुए रहते हैं, वहां हमेशा मातृभाषा के ही पैरों के निशान होते हैं, और अवचेतन जो है वो उसकी एक अभिव्यक्ति जो है स्वप्न की तरह होती है, और सपनों की भाषा आप देखिए कि वो हमेशा मातृभाषा ही होती है। जेम्स कैमरन ने टर्मिनेटर और अवतार जो है उसको सपनों में देखा था, मैरी शेली को फ्रैंकस्टाइन की पूरे जो उपन्यास है वो सपने में दिख पड़ा था वो कहानी, कॉलरिज को जो एंशियंट मैरिनर जो है वो भी उसको सपने में दिखा था, और पॉल मैकार्टनी को यस्टरडे वाला उसका जो गीत है वो सपनों में दिखा था। इन सपनों को सबने मातृभाषा में देखा। मातृभाषा हमारे मस्तिष्क में एक सहज किस्म की बिंबात्मकता रचती है, और जो एक जो विजुअलिटी है, जो उसकी बिंबात्मकता है, वो उस इसलिए आ पाती है क्योंकि वो हमारी धमनियों में सहज रूप से बह रही है, और वो अंतः प्रेरणात्मक है, वो इंट्यूटिव है, और उसमें एक तरह की अनौपचारिकता है, कृत्रिमता नहीं है। तो एक तो ये है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि बच्चों को अपनी बाकी सारी कितनी भी भाषाएं सीखें लेकिन अपनी मातृभाषा में अपना अधिकार जो है बनाना चाहिए। ये वो युग है जो जिसे हम भाषिक साम्राज्यवाद का युग कह सकते हैं, और इस भाषिक साम्राज्यवाद के युग में मातृभाषाओं को बहुत खतरा है, और उनको
वो खतरा जो इसको जिस तरह से है कि आप यूं समझिए कि एक यूनेस्को के आकलन के अनुसार विश्व भर में जो 7,000 भाषाएं हैं आज, उनमें से करीब 3,000 के तो वंशनाश की स्थिति आ गई है, और 2050 तक आते आते ये कहा जा रहा है कि 90% जो है भाषाएं वो खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे में मातृभाषा के संरक्षण पे बल देना, उस पर काम करना, वो हमारे लिए एक बड़ा चुनौती का भी विषय है और एक जरूरी विषय है। मातृभाषा हम मानते हैं कि प्रतिष्ठा भाषा नहीं होती, जिसे प्रेस्टिज लैंग्वेज कहते हैं वो शायद मातृभाषा ना हो, लेकिन वो हमारे व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित करती है, उसे एक धुरी देती है, और अपने व्यक्तित्व की जड़ें जमाकर ही मनुष्य अपने समाज को प्रतिष्ठित कर सकता है। जैसे ये क्यों हुआ, कभी सोचिए कि तुलसी ने लिखा तो स्वांतः सुखाय था, और वो उन्होंने संस्कृत में लिखना ना पसंद करके उन्होंने अवधी में लिखा, रामचरितमानस लिखा स्वांतः सुखाय, लेकिन उसके कारण उस समाज की भाषा में लिखने के कारण पूरे एक समाज को वो जागृत कर सके। ये जो मातृभाषा की महत्ता है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि दुनिया भर में इस समय जो संघर्ष हो रहे हैं, और दुनिया भर में दूसरे देशों की जो स्थिति है उसकी तुलना में हमारे देश की क्या स्थिति है। आज हम आजादी के 7 दशकों के बाद बात कर रहे हैं, क्या हम भारत के नागरिकों को न्याय उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध करा पाए हैं? यानी जो काम फ्रांस ने 1539 में किया था, या ब्रिटेन ने 1362 में किया था, और यूरोप के सभी देशों में यदि हम गिने तो आखिरी देश जो था हंगरी था, जिसने 1784 में अपनी मातृभाषा में, अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, अपने देशज भाषा में जो है न्याय उपलब्ध कराने का काम किया था। भारत में सन 2022 तक भी ये स्थिति नहीं है। न्याय का पूरा तंत्र जो है भारतीय नागरिक के लिए इसलिए बहुत ही अनावश्यक, बहुत खर्चीली और बहुत बोझिल निर्भरताएं पैदा करता है। हम अपनी ही भाषा में न्याय अपने नागरिकों को नहीं दिलवा पा रहे हैं, जबकि ये काम बहुत आसानी से उच्च न्यायालयों और उनकी विभिन्न पीठों में अनुवादक उपलब्ध कराकर किया जा सकता है। आज दिल्ली उच्च न्यायालय में करीब 11 अनुवादक काम कर रहे हैं, तो वो इसी तरह से काम कर रहे हैं। पक्षकार को ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो अदालतों के निर्णय के मातृभाषा में अनुवाद की नकल प्राप्त कर सके। हम हिंदी के पक्ष में अपने अंतर्राष्ट्रीय स्वरों को देखते हैं कि वो कमजोर हैं, और वो कमजोर इसलिए हैं क्योंकि हम अपने ही देश में हिंदी को, मातृभाषा को, बराबर सम्मान की व्यावहारिकताएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जब हमारे ही देश के न्याय के उच्च अधिष्ठानों में निर्णय अंग्रेजी में हो रहे हैं, तो बाहर दुनिया में हमें कौन गंभीरता से लेने वाला है? हम कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी प्रवृत्त होना चाहिए और उसमें करीब 82 करोड़ का खर्चा आएगा, तो वो बात तो तब आएगी जब हम अपने प्रासंगिक न्यायाधिष्ठानों में इससे कम खर्चा करके ये व्यवस्था कर लें। यानी यूरोप परिषद ने 1950 में मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 6 में अदालतों में मुफ्त दुभाषिया उपलब्ध कराने का अधिकार दिया था। आयरलैंड के राजभाषा अधिनियम में तो यह है कि न केवल अदालतों में बल्कि सभी सार्वजनिक निकायों को इस दुभाषीय कार्य पर नागरिकों पर खर्च का पैसा चार्ज न करने के निर्देश है। इन्हें भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम है, निवारक निरोध अधिनियम। अब उसमें ये तो कहा गया है कार्यपालिका से कि वो जो निरुद्ध व्यक्ति है उसको उसके निरोध के आधार उसकी भाषा में बताए, लेकिन उसके निरोध पर जो अंतिम फैसला करना है जो न्यायालयों को, उन पर ऐसी कोई जिम्मेदारी आयद नहीं है। तो इसलिए मातृभाषा के प्रश्न को हमें भाषाधिकार के परिप्रेक्ष्य में तो हम देखें ही देखें, उसको मानवाधिकार के प्रश्न के रूप में देखना पड़ेगा। हमें मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो है
उसमें फौजदारी प्रकरणों में दुभाषी प्राप्त करने का अधिकार माना गया है और इसके साथ साथ कार्यवाहियों और अदालती दस्तावेजों के अनुवाद अनुच्छेद प्राप्त करने का अधिकार भी है और इसे मानव अधिकार का अंग माना गया है। इसलिए लोकाधिकारियों से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वे या तो वही भाषा इस्तेमाल करें जिसे वो व्यक्ति समझे या एक दुभाषीय का उपयोग करें। और भारत जो है मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का हस्ताक्षरी है। जब भारत उसका हस्ताक्षरी है तो भारत में इसका क्रियान्वयन होना ही चाहिए। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र के 26वां अनुच्छेद है उसमें ये कहा गया कि भाषा के आधार पर भेदभाव से सभी व्यक्तियों को सुरक्षा दी जाएगी। इसलिए लोग ये महसूस करते हैं कि हर वो व्यक्ति जिसे किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार या आरोपित किया गया है और जो किसी अदालत में कार्यवाहियों के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली अंग्रेजी को नहीं समझता है तो उससे अपनी मातृभाषा में अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए और जिस तरह से उसे निरोध के आधार उससे उसकी भाषा में बताया जाते हैं उसी प्रकार से उसके प्रकरण में चलने वाली समस्त न्यायिक कार्यवाहियां जिसमें आदेश भी शामिल है उसका हिंदी अनुवाद प्राप्त करने का अधिकार उसे होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मदद के लिए निशुल्क इंटरप्रेटर दिया जाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ इन सब मामलों में बहुत बहुत कुछ होना बाकी है। मैं इंदौर में कलेक्टर हुआ करता था आज से बहुत साल पहले, 25 साल पहले, तो वहां की एक घटना मुझे याद है। उसमें यह हुआ था कि मैं उच्च न्यायालय गया हुआ था, इंदौर में ही उसकी शाखा है, तो वहां गया हुआ था और वहां सीढ़ियों से उतर रहा था मैं, तो मैंने देखा कि एक वकील साहब और उनके मुवक्किल के बीच में बात चल रही थी और वकील साहब ये कह रहे थे कि इस अदालत ने और बड़ी अदालत में जाने का हुक्म दिया। वो अपने मुवक्किल को ये नहीं बता रहे थे कि हम इस अदालत में हार गए हैं और इसकी अपील हमें जो है ऊपर करनी पड़ेगी। वो से ये बता रहे थे कि हमें इस अदालत ने और बड़ी अदालत में जाने का हुक्म दिया। अब वो ये स्थिति इसलिए आती है क्योंकि वहां पर जिस भाषा में बात हो रही है वो भाषा मातृभाषा नहीं है, वो भाषा ऐसी भाषा नहीं है जो हमारे आम आदमी के लिए सहज हो और इसलिए वो उस एक इस तरह का जो कहना चाहिए कि पूरी अदालती कार्यवाही जो है इस तरह का झाड़फूक का करने वाला एब्रा कैडब्रा वाला मंत्र बन गया है कि जो नहीं समझ में आता आम आदमी को और वो निर्भर है कि दूसरा जो है उसे बताए। तो ये निर्भरता जो है खत्म होनी चाहिए। इस निर्भरता के कारण हमारा लोकतंत्र जो है सच्चे अर्थों में सार्थक हो ही नहीं पाएगा। यानी भाषा का काम होता है कि वो हमें अभिव्यक्त करे, वो हमें दुनिया से परिचित कराए। भाषा का काम ये नहीं होता कि दुनिया को वो एक पहेली में बदल दे। लेकिन दुर्भाग्य से ये हो रहा है कि मातृभाषाओं की उपेक्षा करने के कारण भारतीय तंत्र की बहुत सारी चीजें आम नागरिक के लिए एक पहेलिका बन गई है और वो पहेली जो बन गई है उसके अपनी परेशानियां हैं। यानी भाषा अभिव्यक्त करने की बजाय भाषा छुपा रही है। भाषा का काम है संप्रेषण लेकिन भाषा जो है एक तरह का पर्दा बन रही है। मैंने देखा था और आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे एक अखबार में मैंने देखा कि एक पूरा फुल पेज का विज्ञापन आया हुआ था और वो पूरे पेज के विज्ञापन में वो मसाला गुटखा का विज्ञापन था और पूरा बड़ा हिंदी में था और उसमें बस एक चीज थी जो छोटी सी पतली सी थी और वो चीज बहुत ही छोटे फॉन्ट में अंग्रेजी में लिखी हुई थी। आप जानते हैं कि वो चीज क्या थी? वो थी वैधानिक चेतावनी। वैधानिक चेतावनी की मसाला जो है चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो निश्चित रूप से वो जो है इस तरह की जब स्थितियां हैं
तो वो इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाती है कि अंग्रेजी भारत में क्या कर रही है, अंग्रेजी भाषा में एक तरह का संप्रेषण नहीं कर रही है, वो असंवाद की भाषा बन गई है, वो असंप्रेषण की भाषा बन गई है, वो वैधानिक चेतावनी आम लोगों तक नहीं पहुंच सके। तो उस असंप्रेषणीयता के लिए जो है उन्होंने उसको प्रयोग कर रहे हैं, वो अंग्रेजी का, यानी आर्थिक अंधेरे की कंदराओं में सच का संगोपन हो सके, वो भाषा इस्तेमाल की गई है अंग्रेजी वहां पर। यानी भाषा का काम तो एक सेतु होना है, लेकिन इस तरह के उदाहरण ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेजी वो एक सीमा है, सेतु नहीं है, वो चेतावनी की औपचारिकता है, वो चेतना का औदात्य नहीं है। भारत में एक तरह के भाषाई ऑब्सक्योरेंटिज्म के लिए अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है, और इसलिए जो है हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मातृभाषा के माध्यम से ये अपने पूरे प्रशासन तंत्र को और आम आदमी के आत्मविश्वास को जो है बढ़ाएं। अब मैं देखता हूं कि दुनिया के कई देश हैं जहां पर मातृभाषाओं का इसी तरह से दमन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में 400 से अधिक भाषाएं हैं जो कि वहां की स्थानीय जनजातियों की भाषाएं हैं, और उन्होंने जो है उनके प्रयोग का निषेध कर रखा। यदि इस तरह की स्थिति जो है हमारे यहां भी कमोवेश ऐसी ही है कि हम लोग हिंदी तक का भी सही सही तरह से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी मातृभाषाओं की तो बात ही अलग है। तो ऐसे में इस आर्थिक साम्राज्यवाद के दौर में भाषा के माध्यम से, एक भाषाई साम्राज्यवाद के जरिए जो है जो कुछ किया जा रहा है वो आगे परेशानियां पैदा करेगा। और उसमें होगा ये कि जिस तरह से हम कहते हैं कि एक यदि टाइगर या कोई भी जंतु जो है, जीव जंतु यदि वो खत्म हो जाता है, उसकी स्पीशीज, उसकी प्रजाति, उसकी नस्ल खत्म हो जाती है पृथ्वी से, तो पृथ्वी के जो बायो साइकिल है उसमें फर्क आता है, पृथ्वी के जैव चक्र में फर्क आता है, और वो एक स्थायी जो है नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती है, स्थायी क्षति। और जिस जो उसके उसके कुछ प्रभाव जो है वो दूसरे प्राणियों पर भी पड़ते हैं, क्योंकि विश्व में इस तरह का एक एक सूत्रता है, जो हमारे यहाँ अद्वैत की बात कही गई है वो इसी तरह की है कि विश्व में सत जो है वो एक ही सूत्र है, जो जैसे विभिन्न फूलों के बीच में जो है एक सूत्र, एक माला जो है बनाने के लिए एक धागा जो है सभी में है, उसी तरह से वो चेतना का एक सूत्रता वो है। और यदि कोई जीव जंतु गायब होता है तो उस जैव चक्र में जो बाधा आती है वो स्थायी है, वो क्षति है। उसी तरह से यदि कोई भाषा गायब हो जाती है तो भी कोई चक्र है जो प्रभावित होता है, तब भी इस भाषाई चक्र में कुछ ऐसी क्षतियां होती हैं, कुछ ऐसे परमानेंट डैमेज होते हैं जिसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये दुनिया उसके कारण और ज्यादा गरीब हो जाती है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि मातृभाषाओं का क्या महत्व है। दूसरी चीज ये भी है कि मातृभाषाओं के सामने इस समय चुनौतियां क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां, उस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। जैसे एक विश्व व्यापार संगठन है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब उसका गठन से लेकर और 1998 तक उसमें संस्कृति संबंधी 7 शिकायतें हुई थी, और उसमें सब में ये निर्णय दिया गया, और जो निर्णय दिया गया वो ये था कि देश जो है वो अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के नाम पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को दुष्प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अब ये जो निर्णय था जो 1997 में हुआ, कनाडा के विरुद्ध हुआ, जो आखिरी निर्णय था इन 7 निर्णयों में से,
तो उससे एक तरह का अमेरिकन सांस्कृतिक एकाधिपत्य जो है वो सुनिश्चित हुआ। तो होता यह है कि हमारे यहाँ भाषाएं जो हैं वो लोगों के क्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं, जो मातृभाषाएं हैं वो लोगों के शिल्प से जुड़ी हुई हैं, जो शब्द और रमेनी या जो लोकगीत हैं या लोक भाषाएं हैं या लोक अभिव्यक्तियां हैं वो शताब्दियों से चली आई अनगूंजे हैं। कोई जुलाहा जो है वो जुलाहे का व्यवसाय ही नहीं कर रहा है, वो कहीं कबीर भी है, कोई चर्मकार जो है कहीं रैदास भी है। तो कारीगरों का पड़ोस और कारीगरों की रसोई रचनात्मकता और आध्यात्मिकता के कई तहों से महकती है। और हम जो है ये नहीं कह सकते हैं कि सांस्कृतिक संरक्षणवाद और आर्थिक संरक्षणवाद दो समान चीजें हैं, क्योंकि भाषा जो है वो किसी कारखाने का उत्पाद नहीं होती। और ये जो इनका तर्क है जो कि विश्व व्यापार संगठन को इन्होंने जो है उस पर अभिभावी है, उसके अनुसार जो अंग्रेजी का एक तरह का एकाधिपत्य सुनिश्चित होता जा रहा है और उसको लेकर वो चिंता हम लोगों को करनी चाहिए। तो एक तो ये बात, और दूसरा ये कि भाषाओं के पौधे जो हैं वो जिस तरह से जीवाश्मीकृत होते जा रहे हैं, जिस तरह से जो आदिम जनजातियों की भाषाएं हैं उनका जो जो खत्म होती जा रही हैं, उनको लेकर हमें चिंता करनी चाहिए। यानी आप देखिए कि भारत में भाषाओं की अधिकता वो कई लोगों ने इस रूप में प्रचारित की कि भारत जो है देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा भाषाएं हैं, और इतनी ज्यादा भाषाएं होना जो है भारत को एक उपमहाद्वीप बनाता है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने ये कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, एक उपमहाद्वीप है, और भारत में 300 से ज्यादा भाषाएं हैं। लेकिन ये 300 से ज्यादा भाषाएं होना ये भारत में सह अस्तित्व का सौंदर्य दिखाता है। ये बताता है कि किस तरह से भारत में विविधता में एकता है। लेकिन कई लोग भाषाओं की इस अधिकता को राष्ट्र राज्य के विरुद्ध खड़ी करने वाली उपमहाद्वीपीयता में देखते हैं। यदि भाषाओं की अधिकता से कोई देश देश न रहकर वो एक तरह का उपमहाद्वीप हो जाता है, तो पापुआ न्यूगिनी को क्या कहेंगे जिसमें कि 832 भाषाएं हैं? क्या वो एक उपमहाद्वीप कहलाएगा? या इंडोनेशिया को क्या कहेंगे जहां 650 से भी अधिक भाषाएं हैं? क्या वो एक उपमहाद्वीप कहलाएगा? तो हमें ये देखना होगा कि भारत में और जो भाषाओं की जो अधिकता है उस अधिकता को हम अपने लिए, अपने देश के लिए और इस मानवता के लिए एक ऐसी उपस्थिति के रूप में माने कि जिसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। और हम यदि अपने देश के जीवन को सहज करना चाहते हैं, यदि हम अपने देश के जीवन को एक तरह के स्वराज में बदलना चाहते हैं, एक तरह के आत्मस्थ प्रक्रिया में या स्वस्थ स्वस्थ प्रक्रिया में बदलना चाहते हैं, यदि हमारा राष्ट्रीय जीवन जो है उसका स्वास्थ्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो हमें इस मातृभाषा वाले पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। और अंग्रेजी एक चतुराई करती है कि वो भारत की ही विभिन्न भाषाओं को एक दूसरे से लड़ाती है, और भारत जो कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो अलग अलग राज्यों का मिला हुआ एक संघ है, तो उस संघ के ही एक घटक को दूसरे घटक से लड़वाने की चातुरी करके स्वयं को सुरक्षित रखने का जो एक उपक्रम करती है। क्योंकि उस अंग्रेजी में जो है गौरांग महाप्रभुओं के तो हित थे ही, उनकी विरासत ग्रहण करने वाले जो है एक संप्रभु वर्ग के भी जो हित उसमें सुरक्षित हैं, तो इसलिए वो इस तरह के कई खेल कई प्रपंच रचती है। हमें जो है उनके प्रति आज के दिन सावधान होना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को कैसे सशक्त करेंगे।
और उन सब खेलों को हमें देखना चाहिए कि जो एक आर्थिक साम्राज्यवाद अपनी भाषा के जरिए हमारे देश में खेल रहा है। आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें करी सर ने। भाषा का काम दुनिया से परिचय कराना है, ना कि हमें गोल गोल घुमाना है। और तकनीकी खराबियां रही जिस वजह से हम लेट जुड़े, बट हमारा सत्र बहुत अच्छा रहा। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं राघवेंद्र जी? भाई साहब जी, कृपा जी, कृपा शंकर जी, जी 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 भाई साहब, हमारा समाप्त हो गया है। मनोज श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा विषय रखा सर ने, बालकों के सर्वांगीण विषय में मातृभाषा की भूमिका। आपसे कुछ दो शब्द अध्यक्ष उद्बोधन में प्राप्त हो, फिर हम सर का आभार प्रकट करें। जी, माननीय मनोज श्रीवास्तव जी के बाद मेरा ऐसा कोई आदमी अध्यक्ष उद्बोधन दे, ये तो बहुत ही मेरे लिए बड़ी गुस्ताखी होगी, क्योंकि मैं कहूं कि मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान में अगर कोई अधिकृत इस विषय पर बोलने वाले हैं तो माननीय मनोज श्रीवास्तव जी हैं, और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनका हमें आशीर्वाद मिला और ऐसी कृपा उनकी हमारे ऊपर बनी रहे। क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन काम हम जिस योग्यता के अपनी योग्यता के आधार पर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मार्गदर्शन मिल जाता है तो हमारे पूरे के पूरे काम करने की गति में वो बड़ी क्वांटम जंप होती है। और आज हमको जो यह मार्गदर्शन मिला है, ये हमारे लिए बच्चों को काम करने में एक बहुत बड़ी गति और दिशा देगा। और मैं मानता हूँ हम सब लोग हैं कि बगैर अपनी भाषा के तो हम दुनिया में कभी प्रगति कर ही नहीं सके हैं। आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी हिंदी और मातृभाषा के ऊपर बड़ा जोर दे करके उन्होंने अपने मन की बात में बोला है, और उसी विषय को आज हम लोगों ने अपने चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के कार्यक्रम में लिंक किया है। तो मैं माननीय मनोज श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मार्गदर्शन ने आज हमको जो दिशा दी है, हम चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन उस पर चलेंगे, और बच्चों के सर्वांगीण विकास में आज हमें जो टिप्स मिले हैं उसको लेकर के हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और आज हमें काम करने की हमारी जो क्षमता है वो और अधिक बढ़ जाएगी आपके मार्गदर्शन से। और जब जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका ऐसा मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लंबे समय से, पिछले लगभग 1.5 साल से अधिक समय हो गया है, प्रत्येक रविवार को हम लोग ये अपना वेबिनार करते हैं, और मुझे लगता है अभी तक का सबसे कंटिन्यू लगातार इतना बड़ा वेबिनार करने का रिकॉर्ड हम लोग ने बनाया है, और इसको हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका भी, मनोज सर का भी, जिन्होंने समय दिया और तकनीकी रूप से न जुड़ पाने की स्थिति में सर ने बोले कि मैं घर आ जाता हूँ, तो आज सर घर से ही जुड़े हुए हैं हमारे। अब ये सत्र मुक्त सत्र है, प्रश्न उत्तरों के लिए ओपन सत्र है। अपना हैंड रेज करके आप अपनी बात रख सकते हैं, जिसको भी कुछ प्रश्न पूछना है सर से। जी डॉक्टर लक्ष्मण, आप अपनी बात रखें। नमस्ते सभी को, त्रिपुरा से। ये जुडिशियल सिस्टम में जो दाद में मिलते हैं तो उस तो हमारा त्रिपुरा में इंग्लिश में मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश में मिलने के लिए कोई हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मातृभाषा से ऑर्डर होना चाहिए, ये मेरा सजेशन भी है, क्योंकि जिसके ऊपर ये दादमन हुआ वो खुद उसके पास मालूम ही नहीं है क्या दादमन हुआ, वो तो अनपढ़ इंग्लिश में, वो किसी को धरा के somebody can make him make understand, he should know what is the judgment given for him, at least in mother language there should be the judgment, specially along with the English judgment, this should be the I think in all respect where there is no scope to guess the understanding of the concerning papers by the government, by the officers, for the person concerned, one should be aware in their mother language, maybe other than English pattern. Thank you sir. जी जी सर, सर ने भी यही कहा था कि मदर लैंग्वेज में ही अपनी बातें होनी। रक्षा जी ने हैंड रेज किया हुआ, आप अपनी बात रखें। प्रतिभा जी ने किया हुआ, एक बात जरा मैं इनके उस पे कह दूं कि ये जो मातृभाषा का प्रश्न है वो इसका यूं देखिए कि हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं, कभी उन कानूनों की भाषा पढ़ी है आप?
उनकी अंग्रेजी छोड़ी है, उनकी हिंदी ही पढ़ी है, तो वो हिंदी और वो अंग्रेजी दोनों ही बहुत ज्यादा जटिल हैं। अब बुंदेलखंड में रहने वाले या बघेलखंड में रहने वाले, गांव में रहने वाले, मुरैना में या जो कहना चाहिए कि मंडला में या झाबुआ में रहने वाले आदिवासियों को क्या वो हिंदी समझ में आएगी? नहीं, नहीं और वो यदि हिंदी उन्हें समझ में नहीं आती तो उनको क्या मालूम भी है कि उनके साथ जो हो रहा है नहीं उसको, उस अन्याय को वो किसी तरह से थाने में कैसे रिपोर्ट करेंगे? यानी सर, ये मुझे